को जागरूक करेंगे तो खुद आपको जागरूक करने लगेंगे, इसलिए कानून बनना बहुत जरूरी है। हाँ, देखा जाए तो एक ही वर्ग से तो जनसंख्या तो बढ़ती जा रही लगातार, तो बिना कानून लाए हुए इस पे कुछ होने जाने वाला है नहीं इसका। कल परसों से एक बात हो रही है, योगी जी ने कहा कि एक कम्युनिटी के लोग हैं जो जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, इससे जो है समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है। कम से कम हम दो हमारे गिनलो वाले नहीं। फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर बहुत ज्यादा डार्क है अगर इस फील्ड की बात करें तो जनसंख्या में। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप सब देख रहे हैं IVTV। अगले साल भारत की जनसंख्या चीन से भी ज्यादा हो जाएगी, ये नए आंकड़े बता रहे हैं। और ऐसे में अब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के और भी हल्ला मचने लगा है। कहीं कुछ पार्टियां जो हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रही हैं, तो कुछ पार्टियों का ये भी कहना है कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा बल्कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। बता दें कि भाजपा लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून के फेवर में बात करिए, वहीं जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो इसको लेकर के जागरूकता फैलाने की बात करिए। तो ऐसे में जनता क्या सोचती है कि क्या जागरूकता सही है या फिर कानून, आइए उनसे जानते हैं। जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के इस वक्त चल रहा है कि अगले साल चाइना से ज़्यादा हो जाएगा भारत का पॉपुलेशन, तो ऐसे में कानून बनाना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए या फिर जागरूकता फैलाना सही है? जागरूकता फैलाना चाहिए। क्यों लगता है आपको ऐसा? जागरूकता जैसे सरकार व्यवस्था करे, बंध्याकरण हो, परिवार नियोजन हो, इस पर इससे रोक लग सकता है। लेकिन जागरूकता तो कई सालों से फैलाई जा रही है ना, लेकिन इसके बावजूद जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हाँ, ये बात सही है। आप बताइए, आपको क्या लगता है, कानून सही होगा या फिर जागरूकता फैलाने से जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है? जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए इसलिए कि कम हो। तो इसके लिए कानून बनना चाहिए या फिर बस लोगों को समझाने से हो जाएगा? नहीं, कानून बनाना होगा कि तभी तो होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। उनको जागरूक करेंगे तो खुद आपको जागरूक करने लगेंगे, इसलिए कानून बनना बहुत ज़रूरी है। देश में कानून से ही काम चलेगा। लोगों को जागरूकता अभी इतनी समझदारी नहीं है कि आपकी बात को समझ के और अच्छा अच्छा काम करने लगे, इसलिए हमारे विचार से कानून बनाना चाहिए सरकार को। इतने सालों से लगातार भारत की जनसंख्या है जो बढ़ रही है, जागरूकता कई सालों से चल रहा है, तो आपको लगता है कानून पहले बन जाना चाहिए था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, कानून पहले बनना चाहिए था। और ये अभी भी जो विलम्ब हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो कुछ पार्टियां हैं ऐसे, भाजपा का कहना है कि कानून बनना चाहिए, लेकिन JDU और जो दूसरी पार्टियां हैं उन लोगों का कहना है कि नहीं, जागरूकता। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, पार्टी का अपना स्टैंड है, कोई भी आदमी अच्छा काम के लिए जो पार्टी है ना, वो किसी भी काम का, चाहे सरकार जिसकी भी हो और अच्छा अच्छा काम भी करे, तो उसका काम है विरोध करना, उसका भी मजबूरी है। जो आज विरोध कर रहे हैं कल के डेट में ये काम कर रहे थे वो भी, तो इसलिए वो सब का परवाह नहीं करते हुए सरकार को कानून लाना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए। मैम दोनों सही है, अगर कानून, अगर लोगों जागरूकता होती है तो मैम कानून भी तो लगनी चाहिए। मैम दोनों को ही जागरूकता होना चाहिए, जागरूकता के साथ साथ कानून भी लागू करना, कानून भी लागू होना चाहिए मैम, क्योंकि जनसंख्या अभी 133 करोड़ से भी ऊपर हो चुकी है मैम, तो इसके लिए मैम ऑलरेडी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, तो इसके वजह से हम दोनों को ही जागरूकता होना चाहिए। एक को जागरूकता होने से क्या होगी, और ज़्यादातर कि मैम पब्लिक को ही जागरूकता होना चाहिए क्योंकि पब्लिक ही तो जनसंख्या बढ़ती है। नहीं, इसके लिए तो बिल्कुल ही कानून बनना चाहिए, क्योंकि कोई एक वर्ग का अगर बढ़ जाता है तो आने वाली पीढ़ी में तो दिक्कत होगा दूसरे वर्ग को, फिर ये हिंसा न जाने क्या क्या होगा भारत में। आपका कहना है कि सिर्फ एक वर्ग जिम्मेदार है जो जनसंख्या बढ़ रही है? हाँ, देखा जाए तो एक ही वर्ग से तो जनसंख्या तो बढ़ती जा रही लगातार, क्योंकि जो हमारे वर्ग के हैं वो तो अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं, और जो अन्य वर्ग हैं वो है बच्चा हुआ कोई पंचर दुकान पे, कोई ना जाने क्या क्या दुकान पे है, तो पढ़ना तो इसमें चाहिए ही ज़रूर। देखिए, जागरूकता फैलाने से यदि होती तो कितना दिन से इस पे काम किया जा रहा है? अभी हमको लगता है 1972 से इस पे किया जा रहा है, इससे पहले किनके सरकार में, राजीव गांधी की सरकार में कुछ ऐसा नसबंदी भी किया गया था ज़बरदस्ती पकड़ पकड़, कितना फ़ायदा हुआ इससे? उससे ज़्यादा जागरूक करने का तो नहीं था, लोग के मन में डर भी था जो कुछ ऐसा होता है नसबंदी पकड़ के कर दिया जाएगा, कुछ नहीं हुआ। तो बिना कानून लाए हुए इस पे कुछ होने जाने वाला है नहीं इसका।
आप बताइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए या फिर इसको लेकर जागरूक करना चाहिए? नहीं, कानून तो आना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी हम लोग समस्या देख रहे हैं, सड़क किनारे कितने लोग हैं जो बेघर होते हैं, या कितने लोग हैं जो बिना छत के रह रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि बढ़ती जनसंख्या को छत दे दिया जाए? या पॉसिबल होगा कि जितनी संसाधन है हम लोगों के पास, उन संसाधनों में उन सारे लोगों का सर्वाइव हो पाए अच्छे से? तो चूँकि जागरूकता तो चलनी ही चाहिए, कोई भी कानून जो है बिना, और जो बात जागरूकता की करते हैं वही लोग यहाँ पिछड़ जाते हैं कि नहीं, शराबबंदी के लिए कानून नहीं होना चाहिए। तो फिर जागरूकता तो इतने सालों से सरकार चला ही रही है, परिवार कल्याण मंत्रालय भी है जागरूकता के लिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी अपने स्तर से चलाती है, तो कहाँ फ़ायदा दिख रहा है? और ख़ास बात है कि जो कल परसों से एक बात हो रही है, योगी जी ने कहा कि एक कम्युनिटी के लोग हैं जो जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, इससे जो है समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है, तो इस पर भी विचार होना चाहिए क्या? ऐसा जो जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, तो क्या जातीय जनगणना में जोड़ी जाएगी कि किसी खास जातियों का खास बढ़ा है, किसी खास संप्रदाय का, किसी खास धर्म का, लोगों का खास ज़्यादातर जातियों में दबदबा हुआ है, मतलब संख्या में दबदबा हुआ है, या फिर सारे लोगों का बैलेंस है? चूँकि जो रेशियो आज़ादी के समय थी वो रेशियो अभी है या फिर चेंज हुआ है? और कई ऐसी जातियाँ हैं जो विलुप्त के भी कगार पर, चाहे जनजातियों की बात करें, तो उन लोगों की क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्या सिर्फ अल्पसंख्यकों के नाम पे उनको बहुसंख्यक बना दिया जाएगा और बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक बना दिया जा रहा है? तो ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि सरकार को इसमें जितना जल्दी से जल्दी कानून बनाया जाना चाहिए, और सारे युवा इसमें सपोर्ट में हैं, सब लोगों को लगता है कानून और जागरूकता साथ साथ में। हाँ, कानून की जागरूकता, चूँकि अब हम कहेंगे कि भारत में हत्या बढ़ जा रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, तो कानून नहीं लाना चाहिए, अपराध के लिए मतलब जागरूक किया जाए लोगों को, तो ये कहीं से भी कहने वाला बात नहीं है, क्योंकि कानून जरूरी है। बिना भय बिनु होए न प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होता है, बिना डर ही नहीं रहेगा तो लोग, अब रोड पे चलते हुए ट्रैफिक रूल तोड़ रहा है तो कहिएगा जागरूक कीजिए, काहे के लिए टैक्स ले ले रहे हैं? हेलमेट नहीं पहने हो तो जागरूकता तो कर ही, लेकिन फिर भी चालान काट रहे हैं, तो वहाँ पे नेताओं की बोलती बंद हो जाती है। कानून है ना, सब चीज़ के लिए कानून है, जो भी गलत करता है उसके, तो इसके लिए भी कानून होना चाहिए कि दो कम से कम, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे गिन लो वाले नहीं, हम दो हमारे दो वाले ही श्रेणी में रखा जाना चाहिए। आप बताइए, आपके हिसाब से जागरूकता से जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है या फिर इसके लिए कानून होना चाहिए? जहाँ तक जनसंख्या नियंत्रण की बात है, बहुत पहले ही इस कानून को आ जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों आप जो आप देख रहे हैं, चाहे वो रोज़गार की बात हो कि रोज़गार इतने लोगों को नहीं मिल पा रहा है, भले ही सरकार सामने रूप से नहीं कर पा रही, कह पा रही हो कि जनसंख्या के चलते ही हम नहीं दे पा रहे हैं जॉब, चाहे वो फूड सप्लाई की बात हो, चाहे वाटर सप्लाई की बात हो। 2006 में देखिए भारत की जितनी जनसंख्या थी 2005-06 में, और जितना पानी लोग पीते थे, कंज्यूम करते थे, उससे तीन गुना बढ़ गया आज 2022 में। तो कहीं ना कहीं मूल चीज़ें जो भी हो रही हैं, उसका मूल जो कारण है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उस जनसंख्या ही है। तो जनसंख्या नियंत्रण पे जो कानून है जल्द से जल्द आना चाहिए, और अवेयरनेस तो ज़रूरी है ही, ऑब्वियसली ज़रूरी है, गांव-गांव तक अवेयरनेस ज़रूरी है। आज भी बहुत लोग, पहले से अब अवेयरनेस फैला है कि लोग आजकल बहुत सारे शहरों में अब सिर्फ एक ही बच्चे कर रहे हैं, दो बच्चे कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत तर गाँव देहात में है कि इस पर कोई अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस होना चाहिए, और कानून भी आना चाहिए, और सख्त कानून आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कानून ला दिए, सिर्फ फ्रेम बना करके बहुत दिन तक रख दिए, जैसा भाजपा सरकार करती है, कानून ला देती है, दो तीन सालों तक फ्रेम बना करके रख देती है, अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता है, जैसे GST के साथ हुआ था। तो कानून आए, सख्त कानून आए, जिससे लोगों को थोड़ा भय बने, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आप फ्यूचर देखते हैं आज से 20 साल के बाद, चाइना ये कह रहा है कि हमारा जो जनसंख्या है चाइना का, वो इंडिया से क्रॉस कर गया है। चाइना की बहुत अगले साल इंडिया का ज़्यादा, हाँ, चाइना की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ये दावा कर रही हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो क्रॉस कर गया है चाइना का। चाइना ये कह रहा है कि इंडिया अब नंबर वन पे आ चुका है पॉपुलेशन के मामले में। तो सीरियसनेस दिखाना होगा इसके प्रति, क्योंकि फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर बहुत ज़्यादा डार्क है, अगर इस फील्ड की बात करें तो जनसंख्या में, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जिससे राइज होती हैं। तो कानून भी आना चाहिए और अवेयरनेस भी फैलनी चाहिए लोगों के बीच में। तो देखा आपने, पटना की जनता ने अपनी राय बताई कि जनसंख्या के लिए क्या बेहतर होगा, जागरूकता या फिर कानून बनाना। किसी का कहना है कि अगर इसे वाकई में रोकना है तो कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, तो कुछ का कहना है कि जब तक लोग खुद से इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे तब तक जनसंख्या पर नियंत्रण पाना मुमकिन नहीं है। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हम कॉमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए IVTV के साथ। धन्यवाद।